अमीर के पास बड़ा ज़हीन, मेहनती और मुत्तकी परहेजगार गुलाम था। उस गुलाम का नाम सनकर था। वो गुलाम जितना अल्लाह पर तवक्कुल करने वाला था, उसका आका इतना ही कमजोर ईमान रखता था। एक सुबह आका ने गुलाम को आवाज दी कि गुसल के लिए जाना है, जरूरी सामान हमाम में पहुंचा दो। शंकर ने जल्दी जल्दी सारा सामान उठाया और अपने आका के हमरा चल पड़ा। हमाम के करीब ही एक मस्जिद थी और फजर की अजान की आवाज आ रही थी। गुलाम ने अपने आका से अर्ज किया, हुजूर, आप गुसल फरमा ले, मैं नमाज़े फजर अदा करके आता हूँ। अमीर आदमी गुसल करके मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा गुलाम को आवाज दे रहा था। काफी देर हो गई। आका ने फिर पुकारा, शंकर, शंकर जल्दी आओ, बहुत देर हो गई। गुलाम को दरअसल उस वक्त अपने माल की हकीकी का कुर्ब हासिल था और वह इसके जिक्र में महक था। आखिर अमीर ने तंग आकर आवाज दी, शंकर, अब तो सारे नमाजी मस्जिद से जा चुके हैं, तू अकेला मस्जिद में क्या कर रहा है? वो कौन है जो तुझे मस्जिद से बाहर नहीं आने दे रहा? गुलाम ने जवाब दिया, जिसने आपको मस्जिद के बाहर रोक रखा है, उसी जाते बारी ताला ने मुझे मस्जिद के अंदर रोक रखा है। जो आपको मस्जिद के अंदर नहीं आने दे रहा, वही मुझे मस्जिद से बाहर नहीं जाने दे रहा। सच ही तो है कि अगर दिल की जिंदगी और आजादी चाहता है तो बंदगी कर, अगर अल्लाह के फजल करम का तलबगार है तो गुरूर व तकब्बुर तर्क कर दे, रज़ाए इलाही में फना हो जा, ताकि तुझे अबदी जिंदगी नसीब हो। मोमिन को मस्जिद में सुकून मिलता है, बाबे हदायत को अल्लाह खोलता है। दनाई की दलील अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी है। इस हकायत से हमें यही सबक मिलता है कि हर काम